हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, नट्स जो होते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यह देखने में यानी आकार में तो छोटे होते हैं, परंतु इनके गुण बहुत बड़े होते हैं और इनके गुणों के कारण ही यह पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। आज हम बात करेंगे बादाम की, क्योंकि बादाम के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे फैट, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। इन्हीं गुणवत्ता के कारण बादाम बहुत उपयोगी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में बादामों को लेकर कुछ एक शंकाएं हैं, जिनका वर्णन मैं आगे इस वीडियो में करूंगा। वो कौन सी शंकाएं या सवाल हैं वो जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल आता है कि बादाम की तासीर गर्म होती है या ठंडी। तो दोस्तों, बादाम की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको रात को पानी में भिगोकर खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है बादाम खाने का। तो सुबह खाली पेट या नाश्ते के समय बादाम खाना सबसे बेस्ट है, क्योंकि खाली पेट होने से इसके अंदर जो तत्व हैं उनकी अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होती है, जिससे शरीर को पूरा फायदा मिलता है और दिन भर चुस्ती, फुर्ती और थकान दूर रहती है। इसके अलावा हम शाम को चाय के साथ या दूध के साथ भी बादाम खा सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। रोजाना आप 4 से 5 बादाम गिरी खा सकते हैं। रात को इसको भिगो के रख दें, सुबह इसका छिलका उतार के खाएं, वो ज़्यादा फायदा करता है। सर्दियों के दिनों में आप ये 8 से 10 गिरी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको अपने डॉक्टर से उसके फिर ही बादाम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अक्सर हमने सुना है एक कहावत है कि अगर किसी को भूलने की आदत हो तो हम कहते हैं कि बादाम खाया करो, यानी बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बादाम के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी ताकत को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम है वो उसकी पावर को और बढ़ाता है, इसलिए बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। अब एक कॉमन सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या बादाम खाने से मोटापा बढ़ता है या कम होता है। दोस्तों, इसका आंसर ये है कि अगर आप बादाम की 4 से 5 गिरी 2 मील्स के बीच में खाते हैं, तो इससे आपको मोटापा कम होगा, क्योंकि बादाम के अंदर 4-5 गिरी यानी 1 औंस बादाम खाएं तो उसके अंदर तकरीबन 160 कैलोरीज एनर्जी होती है, और अगर ये आप खाते हैं 2 मील्स के बीच में, तो इससे आपको भूख कम लगेगी, और जब भूख कम लगेगी तो नेचुरली आपका मोटापा कम होगा। खाने का एक और फायदा है कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि बादाम के अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों बोन्स फॉर्मेशन में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो और कॉमन क्वेश्चन जो कि जिम जाने वाले यंगस्टर्स बोलते हैं कि क्या बादाम खाने से हमारे मसल मजबूत होंगे। जी हाँ दोस्तों, बादाम के अंदर मौजूद प्रोटीन होता है वो मसल बनाने में बहुत सहायक होता है, इसलिए बादाम शेक, बादाम मिल्क शेक अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। इसलिए जिम जाने वाले जो यंगस्टर्स हैं वो निस्संदेह इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस जो आमतौर पर लोग पूछते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।